हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सोलो में कॉन्करर इजीली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्करर लॉबी में आपको कहाँ लैंड करना है वहाँ मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जगह बताऊंगा जहाँ आप इजीली सिंपली लूट ले सकते हैं और बिना किसी एनिमी से फाइट लिए अच्छे लूट करके होल्ड कर सकते हैं पोजिशन कॉन्करर लॉबी में। हैकर से भी यहाँ बचे रहेंगे, हैकर भी यहाँ आपको नहीं मार पाएगा, ऐसी जगह है यहाँ। मतलब जनरली बहुत कम ही बंदे आते हैं, मतलब मैंने सीज़न 11 में मैं जब कॉन्कर गया था तो मैं हमेशा ये लैंड करता था फार्म पे। एक जगह है जहाँ पे मैं हमेशा ये लैंड करता था। तो गाइस, ये वाला जो जगह है ये इस कंपाउंड पे आप मैप में देख सकते हैं। इस कंपाउंड को मैंने मार्क भी लगाया था। तो इस कंपाउंड पे आपको इजीली अच्छी लूट मिल जाएगी और बिना किसी से फाइट लिए मस्ट रेयरली ही बंदे यहाँ उतरते हैं। रेयरली ही बोलूँगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं रेयरली ही बोलूँगा क्योंकि रेयरली यहाँ बहुत कम बंदे उतरते हैं। तो आप इजीली यहाँ पे उतर सकते हैं और आपको लूट अच्छी खासी मिल जाएगी। उसके बाद एक जगह तो आपका ये हो गया, यहाँ पे अगर यहाँ सनाया से प्लेन मिलिट्री की तरफ जा रही है तो आप यहाँ उतर सकते हैं। एक जगह ये आपका हो गया। और दूसरी जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा हॉस्पिटल पे लैंड करने के लिए। हॉस्पिटल पे बहुत, मतलब हॉस्पिटल पे ऐसा नहीं कि बंदे आते हैं, मतलब आते भी हैं नहीं भी आते हैं, मतलब बहुत कम ही आते हैं वहाँ भी, बहुत कम ही बंदे आते हैं मैंने ऐसा नोटिस किया है। क्योंकि सीज़न 11 में मैं इन्हीं दो जगह पे उतरता था। अगर जोन उधर से, अगर मतलब प्लेन जॉर्जपुल से होके यासनाया की तरफ जा रहा है तो मैं हॉस्पिटल लैंड करता था, और अगर यासनाया से मिलिट्री की तरफ प्लेन आ रहा है तो मैं फार्म पे लैंड करता। मतलब आपको जो जहाँ ठीक लगे इन दोनों जगह में से आप जा सकते हैं। आप गाड़ी ले के भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जा सकते। तो इन दोनों जगह पे आपको कॉन्करर लॉबी में लैंड करना है और बिना फाइट लिए मतलब होल्ड करना है लास्ट जोन तक, क्योंकि कॉन्करर लॉबी में सारे बंदे होल्ड करते हैं और आपको बॉट के एक दो किल यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। किल की कोई जरूरत नहीं है, किल आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, तो कॉन्करर लॉबी में आपको होल्ड करना है। जितना ज़्यादा आप पोजिशन होल्ड करिएगा माइनस का चांसेस उतना ही कम रहेगा, और लास्ट में बहुत ज़्यादा बंदा जिन रहा था आप इजीली वहाँ पे किल निकाल सकते हो, आप इजीली किल कर सकते हो, 3 से 4 किल आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपकी केडी भी सही से मेंटेन रहेगी और आपको अच्छा खासा प्लस भी मिलेगा। तो गाइस यहाँ इस दो जगह पे मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ लूटने के लिए क्योंकि इस दो जगह पे आपको शुरू में हैकर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हैकर ज़्यादातर जॉर्जपुल सिटी जाते हैं इस साइड, और नहीं तो यासनाया जाते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब बड़े सिटी में लूटना, आप जब भी देखोगे किसी भी हैकर को तो वो वहीं जाते हैं। तो गाइस इन दोनों जगह पे आप उतर के लूट सकते हो अच्छे से, और अच्छे से लूट करके पोजीशन होल्ड कर सकते हो। और गाइस जब सीज़न 14 में आपको कॉन्करेंट करना होगा तो आपकी टायर रिसेट होकर प्लेटिनम लॉबी पे चली जाती है। मतलब आप अगर एस पे रहते हो तो आप प्लेटिनम पे चले जाते हो। तो प्लेटिनम पे जाने के बाद आपको प्लेटिनम लॉबी में क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल मतलब ये नहीं करना है आपको, बस उस लॉबी में किल उठाना है। आप जितना ज़्यादा किल उठाओगे आपकी केडी उतनी अच्छी रहेगी। केडी शुरू में केडी अच्छी कर लेने से फ़ायदा ये होगा आपका कि बाद में जब आप कॉन्करर लॉबी में होल्ड करोगे पोजीशन तो आपकी केडी घटेगी नहीं, और आप तो मतलब इजली होल्ड कर सकते हो, या फिर एक दो मैच में अगर गलती से आपसे 1-2 किल होती है तो आपकी केडी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप प्लेटिनम से डायमंड लॉबी तक में अच्छे से रश करके खेलिए। मतलब ये नहीं बोला कि हॉट ड्रॉप ही कर दीजिए, आप एक जगह उतरिए अच्छे से लूट लीजिए, फिर ट्राई करिए किल उठाने का। और ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में रहने का नतीजा बहुत गंदा होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में खेलेगा, और पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। पैनिक होइएगा तो आप 110% आप मरिएगा। पैनिक बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि आप ये सोचिए ना, आपके सामने वाला बंदा भी खेल रहा है, उसको भी माइनस लगेगा तो वो पैनिक हो, वो भी डरा हुआ है, आप भी डरे हुए, तो इसमें आप ही का नुकसान है। तो बिल्कुल डर के बिल्कुल नहीं खेलना है। मतलब कोई भी बंदा अगर रश कर दिया तो इस सिचुएशन को संभालना है। उधर से आप उस सिचुएशन से अगर आप निकलने का ट्राई करिएगा तो या तो आप मर जाइएगा डरने के कारण, या फिर भाई मर जाइएगा। तो फिर आपको एकदम सिंपली उस जगह को, मतलब उस सिचुएशन को अच्छे से होल्ड करना है। ये नहीं कि बंदा रश किया तो आप भाग गए, उस घर भागने का ट्राई कर रहे हो, उसी में भागने के चक्कर में मर गए और आपका माइनस लग गया। तो वैसा एकदम कॉन्फिडेंस रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस में रहना एकदम, और अच्छे से
करना है, और यही दोनों प्लेस जो मैंने आपको बताया या आप यहाँ पे इजीली लैंड कर सकते हो, और यहाँ पे लूट आपको प्रॉपर मिल जाती है, और मोस्ट रेयरली ही आपको लूट नहीं मिलेगी जैसे कि हेल्थ किट हो गया, लेकिन मिल जाती है, मैंने आपको दिखाया भी इस वीडियो में, मिल जाती है जनरली लूट। तो आप इन दोनों जगह पर लैंड कर सकते हो। तो सीज़न 14 में आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सीज़न 14 का जो 12th को एंडिंग हो रहा है सीज़न का 12th को, तो 13-14 से शायद सीज़न शुरू हो जाए, 14 को 7-13, तो आपको क्या करना है, शुरू से ही रैंक पुश शुरू कर देना। शुरू से करना है इसलिए क्योंकि शुरू से करिएगा तो, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारे बंदे तो घर पे ही खेलते हैं ना, तो रैंक पुश बहुत ही हार्ड होगा इस बार का। तो आपको शुरू से ही रैंक पुश करना है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, आपको शुरू से ही रैंक पुश करना है, अच्छे से करना है, और आप विद इन 1 वीक आप कॉन्करर पे जरूर पहुंच जाओगे। आप इस जगह पे उतरो और आप विद इन 1 वीक जरूर पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं विद इन 1 वीक मैं अंडर 100 चला गया था, तो आप तो ज़रूर चले जाओगे। अंडर 100 नहीं जा पाओगे, तो अगर आप मतलब अच्छा खेलते हो, अगर आपको लगता है आपके गन फाइट पे आपको भरोसा है, तो आप इजीली अंडर 100 चले जा सकते हो। और नहीं तो आप नूब भी प्लेयर हो ना, तो और अगर आप नूब भी प्लेयर हो ना, तो आप इस जगह पे लैंड करके आप अच्छे से कॉन्करर पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपको जो मैंने आपको मतलब बताया इस वीडियो में क्या करना है कैसे, आपको सिंपली वही स्टेप्स फॉलो करने, कुछ नहीं करने है, और आप कॉन्करर पे जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं भी पहुंच गया हूं और आप भी जरूर पहुंच जाइएगा। जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, फाइट लेना नहीं, और आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं, और आपकी आपका डिवाइस कब आपका साथ छोड़ दे ये भरोसा नहीं, इसलिए आप जितना ज़्यादा होल्ड करिएगा उतना। लास्ट में बहुत बंदे जिंदा, लास्ट में आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा किल नील लेने का, थोड़ा सा आप किल लेने का ट्राई करिएगा, क्योंकि लास्ट में आप किल लेने जाइएगा तो मरिएगा, तो उतना ज़्यादा अमाउंट पे माइनस नहीं लगेगा जितना कि शुरू में मरने पे लगे। तो लास्ट में आप इजीली 3 से 4 किल कर सकते हैं, और 1-2 किल तो आपको बॉट का मिल ही जाता है। तो ऐसे ही आपको खेलना है कॉन्करर लॉबी में, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपली आपको खेलना है। तो अब गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे बातों से सेटिस्फाइड हो जो मैंने आपको बोला है। तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो वीडियो यही एंड करते हैं, और आप कॉन्करर इजीली पहुंच जाओगे, बस आप इन टिप्स को फॉलो करो और आप इजीली कॉन्करर पहुँच जाओगे। Thank you.